क्वेश्चन नंबर पहला, फ्रेंड्स प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन ए है मंगर, ऑप्शन बी है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स पंच परमेश्वर और ऑप्शन नंबर डी है गोरा। तो प्रेमचंद्र की जो रचना है वह है ऑप्शन नंबर सी पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगर की अर्धागिनी का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है भकोलिया, ऑप्शन बी है मदरिया, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स झलकियां और ऑप्शन नंबर डी है रेणु। तो मंगर की जो अर्धागिनी का नाम था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन नंबर ए भकोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुम्मन के खाला ने किसे पंच बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है रामधन मिश्रा को, ऑप्शन बी है जुमराती शेख को, ऑप्शन नंबर सी है समझू साहू को और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स अलगू चौधरी को। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अलगू चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसाई जी की प्रसिद्ध रचना तट की खोज क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है फ्रेंड्स उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी है कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर सी है कहानी संग्रह और ऑप्शन नंबर डी है काव्य खंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस भी तो भरी बरसात में होता है, अंग्रेज बहुत चलाक है भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए, यह कथन यह किस पाठ से ली गई है? तो ऑप्शन ए है पंच परमेश्वर से, ऑप्शन बी है ठिठुरता हुआ गणतंत्र से, ऑप्शन नंबर सी है मंगर से और ऑप्शन नंबर डी है गोरा से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी ठिठुरता हुआ गणतंत्र से। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी ठिठुरता हुआ गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है रामवृक्ष बेनीपुरी को, ऑप्शन बी है हरिशंकर परसाई को, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स हजारी प्रसाद द्विवेदी को और ऑप्शन नंबर डी है महादेवी वर्मा को। तो कलम का जादूगर जो कहा जाता है फ्रेंड्स वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ये रामवृक्ष बेनीपुरी को। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल जो रचना है वह है ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है फ्रेंड्स वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ते के पास बोलपुर में शांति निकेतन में एक ब्रह्मचर्यम किसने खोल रखा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है लमही, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स सिपाही और ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद। तो प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए लमही में। अगला क्वेश्चन है, सदाचार की ताबीज किसकी पुस्तक है? तो सदाचार की ताबीज जो पुस्तक है वह है ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन है, जुमराती शेख के बेटे का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है हमीद, ऑप्शन बी है वहीद, ऑप्शन नंबर सी है जुमन और ऑप्शन नंबर डी है करीम। तो जुमराती शेख के बेटे का जो नाम है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी जुमन। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर किस उम्र में गद्य और पद दोनों ही बहुत अच्छी प्रकार लिखने लगे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो गद्य और पद दोनों बहुत अच्छे से जो लिखने लगे थे फ्रेंड्स वो लिखने लगे थे ऑप्शन नंबर ये 16 वर्ष की आयु में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन नंबर बी है रामवृक्ष बेनीपुरी को, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स प्रेमचंद्र को और ऑप्शन नंबर डी है हरिशंकर परसाई को। तो कलम का जो सिपाही कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो प्रेमचंद्र का जो उपन्यास जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी चित्रलेखा। अगला क्वेश्चन है, गोरा किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है रामवृक्ष बेनीपुरी का, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र,
ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो गोरा रचना फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा का। अगला क्वेश्चन है आज खाए और कल को मक्खे ताको गोरख संग न रखे, यह उक्ति किस पाठ से ली गई है। तो ऑप्शन ए है पंच परमेश्वर, ऑप्शन बी है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी है मंगर और ऑप्शन नंबर डी है गोरा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मंगर। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ ठाकुर को बंग देश की बुलबुल की उपाधि किसने दी थी। तो ऑप्शन ए है पिताजी ने, ऑप्शन बी है दादाजी ने, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स माँ ने और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पिताजी ने। अगला क्वेश्चन है जुम्मन ने किसकी मलकियत अपने नाम लिखवा ली। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी खाला की। अगला क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है। तो ऑप्शन ए है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ऑप्शन बी है पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है मंगर और ऑप्शन नंबर डी है गोरा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मंगर। अगला क्वेश्चन है लालमणि बेचारे को तो माँ की विधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था, यह उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी है मंगर, ऑप्शन नंबर सी है पंच परमेश्वर और ऑप्शन नंबर डी है गोरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गोरा। अगला क्वेश्चन है माता की मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर का पालन पोषण किसने किया था। तो माता की मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर का जो पालन पोषण किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर बी पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बिगाड़ के, यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए है जुमन का, ऑप्शन बी है अलगू का, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स खाला का और ऑप्शन नंबर डी है जुमराती का। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी खाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसाई ने स्वतंत्रता दिवस किस मौसम में होने की बात कही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बरसात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है। ऑप्शन ए है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य रचना कहाँ की थी। तो ऑप्शन नंबर ये है अपने गांव में, ऑप्शन नंबर बी है जेल की सलाखों के पीछे, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद में और ऑप्शन नंबर डी है बनारस में। तो रामवृक्ष बेनीपुरी अधिकांश साहित्य जो रचना किए थे फ्रेंड्स वो किए थे ऑप्शन नंबर बी जेल की सलाखों के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों को सुधारक होता है, यह उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मंगर के बारे में कौन सी उचित उक्ति सही है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी वह परिश्रमी तथा स्वाभिमान कृषक मजदूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा को गुड़ में सुई किसने खिलाया था। तो ऑप्शन ए है माली ने, ऑप्शन बी है डॉक्टरों ने, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स ग्वाला ने और ऑप्शन नंबर डी है नौकर ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ग्वाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध रचना जैसे उनके दिल फिरे क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कहानी संग्रह। अगला क्वेश्चन है मर्दों की अपेक्षा औरतें अपनी को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्दी ढाल लेती हैं, यह उक्ति किस पाठ की है। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्दी ढाल लेती हैं, यह उक्ति किस पाठ की है। तो ऑप्शन ए है गोरा, ऑप्शन बी है पंच परमेश्वर,
ऑप्शन नंबर सी है मंगर और ऑप्शन नंबर डी है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मंगर। अगला क्वेश्चन है, रामवरीच बेनीपुरी जी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है तरुण भारत, ऑप्शन नंबर सी है बिहार बंधु और ऑप्शन नंबर डी है युवक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बिहार बंधु। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र ठाकुर के संबंध में कौन असत्य है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को गोरा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है ग्वाला ने, ऑप्शन बी है पड़ोसी ने, ऑप्शन नंबर सी है छोटी बहन ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी छोटी बहन ने। पहला क्वेश्चन है, रहीम के दोहे से और रहीम के दोहावली में कितने दोहे का संग्रह है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 300 दोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम के अनुसार भीख मांगना कैसा कार्य है? तो यहाँ पे आंसर है रहीम के अनुसार भीख मांगना एक अपमानजनक कार्य है। अगला क्वेश्चन है, धन के लिए हाय हाय करने वालों को रहीम ने क्या कहा है? तो यहाँ पे आंसर है धन के लिए हाय हाय करने वालों को रहीम ने पशु से भी अधम कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम का पूरा नाम क्या था? तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अगला क्वेश्चन है, रहीम का पिता का नाम क्या था? रहीम के पिता का नाम बैरम खा था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर ने रहीम को कहाँ की जागीर दी थी? तो यहाँ पे आंसर है अकबर ने रहीम को पटना की जागीर दी थी। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो जीवन संदेश से है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये जीवन संदेश से क्या है। जीवन संदेश कविता राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना से उद्धत है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है पथिक से। अगला क्वेश्चन है, पथिक काव्य की रचना किस साहित्य विद्या में की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है खंड काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान बलवान और विकसित प्राणी कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपाठी जी ने कायर किसे कहा है? तो यहाँ पे आंसर है अपने समाज को संकट में छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त रहने वालों को त्रिपाठी जी ने कायर कहा है। अगला क्वेश्चन है, जीवन संदेश कविता का संदेश क्या है? तो जीवन संदेश कविता का जो मुख्य संदेश है फ्रेंड्स वो है कार्यशील रहने का है। अगला क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1946 में हुआ था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश में के जौनपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय लोक साहित्य का सर्वप्रथम संकलन एवं संपादन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है राम नरेश त्रिपाठी ने। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो भारत माता ग्राम वासनी से है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, भारत माता की धरती कैसी है? तो यहाँ पे आंसर है भारत माता की धरती अत्यधिक उर्वरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ा चांद किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन है, भारत माता ग्राम वासनी कविता में कवि ने भारत माता को किस रूप में चित्रित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कवि ने भारत माता को देश की आत्मा गांव में निवास करने वाली माँ के रूप में चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता की आत्मा कहाँ निवास करती हैं? तो भारत माता की आत्मा गांव में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक की गरीबी का चिन्ह क्या है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है, भारतीय कृषि की गरीबी का चिन्ह है धूल भरा मेला। अब हम लोग इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले फ्रेंड्स, जितने भी रहीम के दोहे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख चुके हैं, अब चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी कवि रहीम का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम खा खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम किस मुगल सम्राट के दरबार में कवि था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध हिंदी कवि रहीम की कुछ कुल कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ये है 7, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 13। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम की दोहावली में कितनी दोहे संग्रहित है? तो ऑप्शन ये है 150, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन नंबर सी है 250 और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड से 300। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 300। अगला क्वेश्चन है, रहीम की कृति नगर योजना में कितनी दोहे हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर शोभा किसकी काव्य रचना है? तो ऑप्शन ये है सूरदास, ऑप्शन बी है रहीम, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड से रस खान और ऑप्शन नंबर डी है कबीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम रचित बरवे किस भाषा में की गई रचना है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, रहीम किसके पुत्र थे? तो ऑप्शन ए है करीम खाके, ऑप्शन बी है बेरम खाके, ऑप्शन नंबर सी है शमीम खा के पुत्र, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड से इनमें से कोई नहीं। तो जो रहीम पुत्र थे वो थे ऑप्शन नंबर बी बेरम खा के। अगला क्वेश्चन है, रहीम के पिता बैरम खां किस मुगल सम्राट के सेनापति एवं संरक्षक थे? तो ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है बाबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम का जन्म कब हुआ था? तो रहीम का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है लाहौर में, ऑप्शन बी है फैसाबाद में, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स बलूचिस्तान में और ऑप्शन नंबर डी है इस्लामाबाद में। तो रहीम का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम के दूसरे दोहे में मनुष्य के संदर्भ में पानी का तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य के जीवन के किस चीज के महत्व का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर ये है संपत्ति, ऑप्शन बी है सामधारी, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स पानी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पानी का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य के किस चीज की महिमा का बखान किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आत्म गौरव का। अब यहाँ से आपका जो चैप्टर 2 है फ्रेंड्स जीवन संदेश, उसका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसका हम लोग जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हम लोग देख लिए हैं, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जीवन संदेश किसकी रचना है? तो जीवन संदेश जो रचना फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी राम नरेश त्रिपाठी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था जौनपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? तो राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी की कविता जीवन संदेश किस पुस्तक से ली गई है? तो ऑप्शन ए है मिलन, ऑप्शन बी है पथिक, ऑप्शन नंबर सी है स्वपन और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स कौमुदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पथिक से। अगला क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी ने किसका सर्वप्रथम संकलन और संपादन किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मिलन, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स कविता कौमुदी, ऑप्शन नंबर सी है बरवे नायिका भेद और ऑप्शन नंबर डी है पथिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बरवे नायिका भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के
कि इसके कवियों में राम नरेश त्रिपाठी का संपूर्ण स्थान है। तो ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी है अवधी और ऑप्शन नंबर डी है भोजपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, कवि राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार यह धरती है। तो कवि राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार यह जो धरती है फ्रेंड्स वो है माता समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार हम किसकी कमाई का फल खाकर बड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए है माता पिता की, ऑप्शन बी है धरती की, ऑप्शन नंबर सी है भाई की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी धरती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से अब आपका जो 3 चैप्टर है फ्रेंड्स उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसका भी जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हम लोग देख लिए हैं, अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत माता ग्रामवासिनी शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। तो भारत माता ग्रामवासिनी शीर्षक कविता के जो रचनाकार है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी सूर्य सुमित्रा नंदन पंत। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत कविता है। तो ऑप्शन ए है जीवन संदेश, ऑप्शन बी है हिमालय का संदेश, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स जीवन का झरना और ऑप्शन नंबर डी है भारत माता ग्रामवासिनी। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो कविता है वो है ऑप्शन नंबर डी भारत माता ग्रामवासिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की ख्याति किस रूप में अधिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए छायावाद कवि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन नंबर सी है 1928 और ऑप्शन नंबर डी है 1930। तो पल्लव का जो प्रकाशन हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना उच्छ्वास का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल भरा मेला आंचल किस कविता से ली गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ग्रामवासिनी, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है भारत माता ग्रामवासिनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता ग्रामवासिनी कविता में किसकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए है गरीबों का, ऑप्शन बी है अमीरों का, ऑप्शन नंबर सी है दोनों का और ऑप्शन नंबर डी है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गरीबों का। और अगला क्वेश्चन है, भारत माता ग्रामवासिनी कविता में कवि ने किसे देश की आत्मा कहा है। तो ऑप्शन ए है पृथ्वी माता को, ऑप्शन बी है गौ माता को, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स भारत माता को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सबको। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम इसी तरह से रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो होगा फ्रेंड्स वो बहुत जल्द आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।